गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे अबाउट डिस्कस एक्सरसाइज टाइम क्लास फिफ्थ ईबीएस। जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 10 फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपुल। ये जो फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपुल है, जंगल और जंगल के लोग जो होते हैं, इनके बारे में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो कल की जो वीडियोस हैं, कल की जो वीडियोस बना के मैं आप लोग को भेजा हूँ, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। प्रोटेक्शन एंड ट्रीज फॉरेस्ट के बारे में बताया कि जो वन की सुरक्षा कैसे होती है, उनके लिए कैसे कैसे योजनाएँ बनाए गए गवर्नमेंट्स द्वारा, ओपन किया गया नेशनल प्लांट्स का एंड वाइल्ड वन्य जीव अभयारण्य का, कर्वेशंस फॉरेस्ट ऑफ एनिमल वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जंगली जानवर हैं उनकी जो वंश होते हैं उनको आश्रय देने के लिए कुछ योजनाएं चलाए गए। मनी प्रोग्राम्स एंड मूवमेंट्स हैव आल्सो बीन टू कंजर्वेशन द फॉरेस्ट। उनके लिए कुछ कार्यक्रम और कुछ आंदोलन चलाए गए, जैसे स्क्रैड बूथ पवित्र बाग की निर्माण किया गया, कि जो ट्राइबल्स इन ट्राइबल्स कल्चर जो ट्राइबल्स संस्कृति हैं, आदिवासी समुदाय के जो संस्कृति है, उनको एक सम्पेजेस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द वर्क शीट, कुछ वनों की फॉरेस्ट और द वर्क शीट एंड सम पेजेस ऑफ फॉरेस्ट और द वर्क शीट, जो कुछ पेजेस की पूजा करते हैं, कुछ फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, जिसे पेजेस कहा जाते हैं, पेजेस कहते हैं। दिस द पेजेस और द कॉल्ड स्कैरेट ग्रूद, इसी पैज को पवित्र ग्रूद के नाम से जाने जाते हैं। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा किया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में इस पवित्र ग्रूद को लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेक्रेट ऑफ द ग्रूद एंड आर्ट्स कॉल्ड देवभूमि देयर्स। हिमाचल प्रदेश में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली देयर आर कॉल देवकोट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देवकोट के नाम से जाना जाता है। एंड राजस्थान में क्या है, औरन के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में देव राय के नाम से जाना जाता है। ये जो पवित्र गोत्स को भिनसोई ऑफ राजस्थान के बारे में बताया, कि राजस्थान में भिनसोई कैसे कैसे हैं, जो कि अमृता देवी थी, भिनसोई वोमेंस थी, एक भिनसोई महिला थी। इज इज़ द वेरी फेमस कंजर्वेशन, जो कि एक संरक्षणवादी होने के साथ समझ में सी यूज टू क्लिंग द ट्रीज ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर इन फीलिंग्स। वह महसूस करती थी, जब भी पेड़ को काटा जाता था तो महसूस करती थी, और पेड़ों में चिपक जाती थी वनों की कटाई को रोकने के लिए। सी से स्टार्ट होती है हम लोग की चिपको आंदोलन। ईयरली इन 1917 सेंचुरी इन द कंस्ट्रक्शन वेन द कट ट्री इन द तराई फॉरेस्ट ऑफ द गरवाल्स इन द उत्तरांचल। 1970 में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है, जो कि एक तराई फॉरेस्ट वन की जंगलों में गरवाल जनजाति के लोग क्या करते हैं उत्तरांचल में, इनकी डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, वनों की कटाई को रोकने के लिए कुछ महिलाएँ आगे आती हैं। चिपको आंदोलन मूवमेंट्स प्रिवेंट्स द बिगेंस कट। जब भी पेड़ों को काटा जाता था तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जो महिलाएं होती हैं, सभी महिलाएं पेड़ों में चिपक जाती थी, तो इसी चीज़ को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। द मूवमेंट्स ग्रेजुअली सीड्स इन द एंटायर कंट्री। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुड़ा एंड चंडी प्रसाद भट्ट और सम फेमस लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। ये आंदोलन के कुछ ऐसे नेता थे, जैसे गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट, कुछ लोकप्रिय नेता थे जिनकी आंदोलन में बहुत ही बड़े योगदान दिए गए। आज बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की, जो कि फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपुल है, एक्सरसाइज दिए हुए हैं। टिक द करेक्ट आंसर, पेज नंबर देखिएगा 56 में देखिएगा, एक्सरसाइज टाइम दिए हुए हैं। द लार्जेस्ट ट्राइबल इन इंडिया इज, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी जाति कौन सी हैं, भील्स गोंड एंड संथाल। तो आप गोंड्स को क्या करेंगे, आप टुक टिक लगाएंगे। सेकेंड नंबर दिया हुआ है फॉरेस्ट आर्ट होम टू मनी ट्राइबल्स कम्युनिटी कॉल्स,
जो वनों को अपने घर के लिए में मानते हैं, कौन से जनजाति लोग मानते हैं, होम्स मनी ट्राइबल्स समुदाय कौन से जनजाति का समुदाय मानते हैं, तो आदिवासी को आप लोग टिक लगाएंगे, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय हैं वो वन को अपने घर से ज़्यादा मानते हैं, ये बताया गया है। थर्ड नंबर दिया हुआ है कटिंग ट्रीज विदाउट ऑफ द प्लान इन न्यू एवंस डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहा गया है। फोर्थ नंबर ए फॉरेस्ट इज लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड कवर विद फॉरेस्ट, लार्जेस्ट एरिया बड़ी एरिया में लैंड के कवर करने के लिए सैंड ट्रीज और स्टैननेस किसको काटा जाता है, ट्रीज को काटा जाता है, तो ट्रीज को आप लोग टिक लगाएंगे। राइट ट्रू और फॉल्स द बो ट्राइब ई अंडमान आइलैंड इन द एग्जिटिंग नाउ, जो बी नंबर दिए हुए हैं ट्रू और फॉल्स, वो जो जनजाति हैं आदिवासी हैं वो जनजाति अंडमान निकोबार आइसलैंड में क्या है अब विलुप्ति के कगार पर हैं, यस और नो, यस ट्रू, आप लोग ट्रू करेंगे, इसको ट्रू करेंगे, ट्रू। वन महोत्सव वास स्टार्टेड बाई गौरा देवी, वन महोत्सव को स्टार्ट कौन किया था, गौरा देवी में किया था या फिर कोई दूसरा नहीं किया, क्योंकि गौरा देवी जो है वो चिपको आंदोलन से हम लोग संबंधित पढ़े हैं। वन महोत्सव के एम मुंशी द्वारा किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉरेस्ट हेल्प इज द इंक्रीजिंग रेनफॉल, फॉरेस्ट जो होते हैं वन जो होती है वर्षा को बढ़ाने के लिए होती है, सही है, ट्रू करेंगे इसको, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। व्हील्स एंड संथाल आर नेम्स ऑफ द ट्राइब्स, व्हील्स जो जनजाति होती हैं, संथाल जो जनजाति होती हैं, आर नेम ऑफ ट्राइबल्स, ये एक जनजाति के नाम है, ट्रू, इसको भी आप क्या करेंगे, ट्रू, ये भी ट्रू है। ट्राइबल्स आर नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, जो आदिवासी समुदाय जो होते हैं, आदिवासी जनजाति जो होती हैं, नॉट फॉन्ड म्यूजिक एंड डांस, क्या वो लोग डांस म्यूजिक नाचने नृत्य गान नहीं करते हैं, गाना और नृत्य नहीं करते हैं, क्या बोला जा रहा है, क्योंकि वो लोग आदिवासी समुदाय जो होते हैं वो लोग नृत्य भी करते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो देखिएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप भरेंगे सबको, इसमें आप देखेंगे और भरेंगे। सी नंबर दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाई आर द फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट के महत्व को समझाइएगा। व्हाट डू यू द नीड एम प्रोटेक्शन देन, उनके प्रोटेक्ट सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में समझाना है। मैं आप नोट्स के माध्यम से आपको ग्रुप्स में सेंड करूँगा, तो अच्छे से आप लोग लिखिएगा। हाउ डज द डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट ट्राइबल्स, जो वनों की कटाई के लिए आदिवासी क्या करते थे, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। व्हाट आर द सेक्रेट ग्रो, जो कि एक ग्रोथ पवित्र ग्रोथ के बारे में बताया गया है। व्हाट इज द चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या है। व्हाट इज वन महोत्सव, वन महोत्सव क्या है, इसके बारे में आपको मैं नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा। डी नंबर देखिएगा कंप्लीटेड द फ्लो चार्ट, टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, कौन कौन से टाइप्स होते हैं फॉरेस्ट की। फर्स्ट क्लासेस में मैंने आपको टाइप्स बताया था, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ब्लैंक से जगह में एवरग्रीन्स लिखेंगे। माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि पहाड़ी वंस होते हैं, सदाबहार वंस होते हैं। मानसून फॉरेस्ट, जो कि एक मानसूनी फॉरेस्ट होते हैं। डेजर्ट्स फॉरेस्ट, डेजर्ट रेगिस्तानी फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। एंड ट्राइबल, जो कि सन टायर वंस बोलते हैं इसको, टेबल। तो मैंने आप लोग को टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताया, ट्रू फॉल्स बताया, क्वेश्चन आंसर जो है नोट्स के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उनके कुछ एक्सरसाइज टाइम के बारे में बताया। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा, जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिए और बुक्स के माध्यम से आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं हम, चैप्टर 11th के रूप में देखेंगे, तो चैप्टर 11th को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे से पढ़ के आइएगा। जब भी आप लोग को
नेक्स्ट क्लासेस के लिए बोला जाता है, तो उस चैप्टर को पढ़ के आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा उस चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बाय बेटा।